हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले KTM Duke 200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भैया इंडियन मार्केट में आजकल जो बाइक्स हैं उनका जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि किसी बाइक को कैश में ख़रीदना फ़िलहाल एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग कैश में ख़रीदते भी है बट अभी तो पॉसिबल नहीं है भैया, इतना ज़्यादा रेट हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस चीज़ को किस में ले लें, फाइनेंस में ले लें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि KTM Duke 200 को आप कैसे फाइनेंस करा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, एवरीथिंग आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पर आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट फाइनेंस के बारे में। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों, बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आधार कार्ड देना पड़ेगा। आधार कार्ड के बाद आपको घर का, आपका खुद का अगर घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी या फिर आप रेट एग्रीमेंट दे सकते हो अगर आप किराए से रहते हो। दो तीन फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है, दो तीन चेक की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी चेक की ज़रूरत नहीं पड़ती, ATM से भी काम हो जाता है। 6 मंथ की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी आपको, ध्यान रखिए 6 मंथ की, जिसमें आपकी सैलरी आती है। इनकेस अगर आप जॉब नहीं करते तो फिर आप शायद ITR फाइल कर दोगे, इनकम टैक्स रिटर्न, वो आप वो दे सकते हैं, तो उससे भी जो है आपकी बाइक फाइनेंस हो जाएगी। ठीक है, बाकी जनरली इतने ही डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। मतलब यार देखोगे ना, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है जो कि भाई इजीली हमें प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। Duke 200 एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,92,000, 1,92,000 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड 2,26,000, 2,26,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। बाकी आप लोगों को सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 66,000। जी हाँ, 66,000 रुपये आपका डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब हमारा जो बचा हुआ अमाउंट है वो है 1,60,000 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे हमें देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। जब भी हम किसी कंपनी से, मतलब किसी बैंक से या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से अपनी बाइक फाइनेंस कराते हैं तो हमें प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। ठीक है, 10% ठीक है, प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जान लीजिए, 1,60,000 में 10,000 आपका प्रोसेसिंग फीस हो गया, टोटल अमाउंट आपका 1,70,000 रुपये हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। देखिए, कोई भी कंपनी से जब हम बाइक फाइनेंस करा रहे हैं, वो हमें फाइनेंस करके दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। विदाउट बेनिफिट तो वो काम नहीं करेंगे, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, और उस प्रॉफिट का जो नाम है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि हम उसे एक्स्ट्रा पे करते हैं ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर और आपकी सैलरी स्लिप पर। आज के फिर हमने 9% लिया हुआ है, तो अब हमारा जो एक साल का इंटरेस्ट आएगा 1,70,000 का, वो आएगा 15,300। जी हाँ, 15,300, ध्यान रखिए आपके एक साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए आप बाइक को एक साल के लिए ही फाइनेंस कराना चाहते हो, 1,70,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप एक साल का इंटरेस्ट 15,300 रुपये प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,85,300। अब 1,85,300 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 15,441 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक, 12 महीनों तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 2 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक साल का इंटरेस्ट है 15,300, 15,300 इंटू 2 कर दो तो यहीं आप लोगों का 30,600 रुपये 2 साल का इंटरेस्ट हो गया। अब 1,70,000 में 30,600 प्लस कर दो, 2,06,000 रुपये, 2,06,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट होगा। अब आप इसे 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 8,358 रुपये के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, 3 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एक साल का इंटरेस्ट है 15,300, 15,300 इंटू 3 कर दो तो 45,900 रुपये आपके 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। 1,72,000 रुपये में आप इसे प्लस कर दो तो 2,15,900 रुपये आपका
टोटल अमाउंट होगा अभी से आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी लगभग 5,997 रुपए के आसपास की, जो कि आपको पे करनी है कब तक, 3 सालों तक। ये था दोस्तों ब्रांड न्यू KTM Duke 200 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।